हम बात कर रहे हैं सलासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको तीन परसेंट के ऊपर के अपसाइट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है ऑलमोस्ट थर्टी फोर के लेवल से स्टॉक लगातार गिरावट में है जंप तो स्टॉक में हमको देखने के लिए मिल रहे थे हम देख सकते जंप स्टॉक ने दिखाए थे लेकिन जंप पर अगेन सेलिंग के साथ स्टॉक अपने लो को डाउन करता नज़र आ रहा था यानी लगातार सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही थी तो अब इस बार स्टॉक ने सपोर्ट कहाँ लिया सोलह रुपये पचास पैसे की लेवल से और यहाँ से बैक हुआ है और इस बैक के साथ देख सकते हैं जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था अठारह रुपये पचास पैसे की लेवल से और गिरावट दिखाई थी इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करके अब इसके ऊपर ऑलमोस्ट उन्नीस रुपये अस्सी पैसे तक का जम दिखा चुका है बड़ी बाइंग स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद देखने के लिए मिल बड़ा जंप स्टॉक हमको दिखाते हुए नजर आ रहा है देख सकते हैं बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है सोलह रुपये पचास पैसे के लेवल से तो जितनी बड़ी बाइंग हमको देखने के लिए मिली है क्या इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ दिखा रहा है स्टॉक नहीं दिखा रहा है छोटी मोटी गिरावट के साथ अगेन बायर्स एक्टिव होते नजर आ रहे हैं तो सलाह सार यहां से और अपसाइड हमको दिखाता नजर आ सकता है बस हमको थोड़ा सा इंतजार करना है वैसे तो इसका ट्रेंड बदल चुका है ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि हम देख सकते हैं आपने दो इस रेजिस्टेंस को जहां से गिरावट दिखाई थी उसको ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है उसके ऊपर हमको क्लोजिंग और उसके ऊपर काम करता नजर आ रहा है तो अब अगर गिरावट आती है तो नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है उन्नीस रुपये का लेवल अठारह रुपये अस्सी पैसे उन्नीस रुपये का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा अठारह रुपये साठ पैसे अठारह रुपये पचास पैसे का लेवल और मेज़र सपोर्ट रहेगा ये जो इसका लो है जहाँ से गिरावट के साथ बाउंस बैक किया था सोलह रुपये पचास पैसे का लेवल जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बने हुए अब जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि बड़ा जब बड़ी बाइंग के बाद उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है ऊपर की और स्टॉक हमको नज़र आ रहा है अपने हाई के आसपास तो ऐसी कंडीशन में फिर ब्रेकआउट के चांस बनेंगे इमीडिएट टारगेट बीस रुपये का लेवल रहेगा और बीस रुपये का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है इस लेवल का ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है लगातार तेजी के लिए अब नज़रें बीस रुपये के लेवल पर ही बनी हुई है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो उसके बाद फिर अगेन लगातार बड़ी बाइंग बड़ा जम देखने के लिए मिल सकता है फिर नेक्स्ट टारगेट तेईस रुपये चालीस पैसे इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो स्टॉक फिर सत्ताईस रुपये से लेकर ट्वेंटी सेवन रुपीज़ से लेकर थर्टी रुपीज़ तक का भी फिर जम दिखा सकता है बस आप इंतज़ार है ट्वेंटी के लेवल के ब्रेकआउट का वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है अगर आप डिमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो